Hello guys, once again I am Renu from Skyrider Institution with new face, new batch. So students लोग बहुत काफ़ी excited है उनके robotics course को लेके and classes को लेके. चलो उनको पूछते हैं कि उनका नाम क्या है, कहाँ से आए हैं and क्या सीख रहे हैं robotics के ऊपर. आपका नाम? मेरा नाम प्रेम किशोर साहू है और मैं IIIT जबलपुर से हूँ और यहाँ मेरा robotics का training है. मैं सुशांत गुप्ता हूँ, मैं बनारस से हूँ. मेरा कॉलेज है इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी आगरा और मैं रोबोटिक्स और IoT कोर्स सीखने आया हूँ. सो आपको रोबोटिक्स के बारे में कहाँ पता चला, आप कहाँ से इंफॉर्मेशन मिला आपको रोबोटिक्स के ऊपर एंड कहाँ आप जानकारी मिला इसके ऊपर? एक्चुअली इसके बारे में पता तो मेरे को इंस्टाग्राम से पता चला. वहाँ पर मैंने एक पोस्ट देखा था और इंस्टाग्राम में मैंने बस एक पोस्ट देखा था और फिर मैंने बस रिस्की डिसीजन लिया. बट यहाँ आके ऐसा लगता है कि बहुत सही डिसीजन लिया, क्योंकि यहाँ आने से पहले तक ऐसा लगता था कि हो सकता है कि मैंने जो पैसा खर्च किया हो सकता है वो उतना यूज़ ना हो जितना कि समझ में आता है. बट यहाँ आने के बाद पता चला कि यहाँ पर लोग जो हमको ट्रेन करते हैं उनका मुद्दा पैसा या फिर लिमिटेड कोर्स या फिर मतलब उस बेसिस पे नहीं होता. उनका काम होता है मतलब नॉलेज देना. तो वो आके मैंने यहाँ बहुत अच्छा सीखा और अभी तक हमको एक्चुअली बोला गया था कि हम 17 प्रोजेक्ट्स करेंगे, बट आई थिंक अबाउट हमने 12-13 प्रोजेक्ट्स अभी तक तो कर ही चुके हैं. ओके, तो आपका 1 week हो चुका है रोबोटिक्स के ऊपर, तो आप 1 week में 12-15 प्रोजेक्ट बना चुके हो, राइट? या 12-15 प्रोजेक्ट. तो आप वो काफ़ी एक्साइटेड है उनको कोर्स के लेके. जैसे कि उनको बताया गया था कि उनके कोर्स में 7 या 8 होंगे रोबोट्स वो बनाएंगे, बट वो ऑलरेडी 12 रोबोट्स बना चुके हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है उनको. सो हम और एक स्टूडेंट्स के पास जाते हैं, उनको पूछते हैं कि उनका एक्सपीरियंस क्या है, क्या लर्न कर रहे हैं रोबोटिक्स के ऊपर. मैंने स्काईराइडर के बारे में फेसबुक से देखा था. okay. और उसके बाद मैंने काफ़ी रिसर्च किया और कोरा पे भी कोर्स देखा, रिव्यूज़, और फिर बाद में पता चला कि अच्छा है तो फिर मैं आया हूँ. और फिर बाकी यहाँ पे आके मैंने कोडिंग्स पे और भी अच्छे से सर ने सिखाया और काफ़ी इजी लग रहा था, क्योंकि यूट्यूब के इस पर लेक्चर्स वगैरह देखने पे काफ़ी टफ लगता था, आर्डिनो बोर्ड, माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर. बाद में यहाँ आने के बाद जिस हिसाब से सर ने सिखाया है कंसेप्ट इतने ईजी वे में, मतलब अब कुछ कोई भी बड़ा बोर्ड हो काफ़ी इजी हो जाएगा हैंडल करने में. थैंक यू. ओके, सो ये भी बहुत कुछ लर्न कर रहे हैं और बहुत कुछ सीख रहे हैं. फैकल्टी बहुत अच्छे हैं, वो उनका एक्सपीरियंस ये है. सो वन मोर क्वेश्चन यू बोथ ऑफ यू, दैट ये 6 दिन में आप क्या क्या सीखे हो तो आप बताओ. एक्चुअली हम आए तो यहाँ 1 महीने के लिए हैं, बट 6 दिन में काफ़ी ज़्यादा कुछ सीख लिया है और ऐसा लगता है कि जितना सोचा था उससे आधा तो अभी 6 दिन में ही सीख लिया है. और 6 दिन में हमने माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर सीखा है और बहुत सारे सेंसर्स के बारे में सीखा, कई रोबोट्स बनाए. एक्चुअली हमने अभी तक 6 रोबोट बना चुके हैं. एक है लाइन फॉलोइंग रोबोट, एक है लाइन अवॉइडिंग रोबोट, एज अवॉइडिंग रोबोट एंड वॉल फॉलोइंग रोबोट. और उसके साथ साथ एक्चुअली एम्बेडेड का भी कोर्स हो रहा है यहाँ, तो एम्बेडेड का भी हमको मिला के कुछ सिखाया जा रहा है ताकि हम दोनों की जानकारी मिक्स करके अपना नॉलेज यूज़ कर सकें. तो एम्बेडेड में हमने माइक्रो प्रोसेसर पढ़ाया और एम्बेडेड में ही स्विच सिस्टम था, वो भी हमको पढ़ाया गया. तो ये तो बहुत सही था कोर्स. ओके, सो ये एम्बेडेड में बहुत कुछ सीख रहे. चलते हैं सुशांत के तरफ. सुशांत अभी एक रोबोट पकड़ के खड़े हैं, तो उनको हम पूछते हैं कि ये क्या है एंड इसमें क्या क्या लगा कि ये चीज़ आप किए हो. मैम, इसमें एक IR सेंसर है, उससे अगर आप इंफ्रारेड सेंसर बोला जाता है इसको. okay. इससे लाइट डिटेक्ट होता है. okay. लाइट डिटेक्ट करेगा अगर आप ऑब्जेक्ट बीच में इसका जो लाइट जो है ट्रांसमिटेड अगर आप ऑब्स्ट्रैक्ट कर दोगे तो फिर नहीं चलेगा. अच्छा. अगर आप प्रोग्रामिंग कर दोगे कि अगर ऑब्स्ट्रैक्ट पे रिवर्स जाए, फॉरवर्ड जाए या फिर बैकवर्ड जाए, तो फिर अगर आप कोई ऑब्स्ट्रैकल आता है तो इसमें फॉरवर्ड या बैकवर्ड जा सकता है. और फिर इसमें माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर है ये, और फिर ये मोटर ड्राइव है और ये बैटरी है, इससे 2 गियर मोटर लगा हुआ है इसको. अच्छा. रन करने के लिए. और फिर अगर आप सेंसर इंक्रीज करते हैं और आप जैसे कि देख रहे हैं एक ही सेंसर है यहाँ पे, अगर आप 5 अलग अलग जगह पे सेंसर लगा दोगे तो फिर हर एक टाइप से ये नया प्रोजेक्ट और एक नया रोबोट बन जाएगा सिस्टम यूज करने के लिए. सो आप देख सकते हो कि सुशांत ने बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बना चुका है ऑलरेडी 6 दिन में. तो मैं सबको सजेस्ट करूँगी कि ये रोबोटिक्स का कोर्स आप ज्वाइन करो. बहुत काफ़ी एक्साइटिंग चीज़ है ये, बहुत कुछ लर्न करोगे रोबोटिक्स के ऊपर एंड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग. जैसे कि आप देख सकते हो कि 80% प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ही हम देते हैं स्काईराइडर. Thank you.